सुखाड़ की समीक्षा की जाएगी। सुखाड़ के हालात की समीक्षा होगी। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक होगी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में ये बैठक होगी, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के उपायुक्त जुड़ेंगे। सूबे में सुखाड़ की स्थिति पर मंथन करेंगे। 18 लाख हेक्टेयर में होती है हर साल धान की खेती, ये कृषि सचिव ने कहा है। इस बार 5 लाख हेक्टेयर में भी नहीं हो पाई है धान की खेती। किसानों को मिली वैकल्पिक खेतों में जाने की सलाह। इसलिए आज तो हम लोग का जो सचिव का दिशा में डीसी लोगों के साथ जो समीक्षा कर रहा था, उसमें केवल सुखाड़ का नहीं, हमारा जो कृषि विभाग का जो मेन इश्यूज जो है उसी पर था। एक तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, उसमें सभी लाभुक को जो लैंड रजिस्ट्रेशन डाटा अपलोड करना है, ई केवाईसी करना है, उसका समीक्षा किया गया। और जो रेनफॉल और क्रॉप कवरेज का जो स्थिति जो पैदा हुआ है उसका रिव्यू किया गया कि कौन जिला में कितना रेनफॉल का डेफिसिट है, कितना का क्रॉप कवरेज है। तो उसमें अल्टरनेटिव खेती को जो बढ़ावा देने का, और हमारा लेबर या खेतीहर मजदूर बाहर नहीं जाए उसके लिए सपोर्ट करने के सब निर्देश दिया गया है। और ज़्यादा से ज़्यादा वैकल्पिक फसल में ध्यान देने की कहा गया है। बाकी सुखाड़ में क्या होगा उसमें अलग से बैठक होगा। कृषि सचिव सर के आदेश से विभाग के ऑफिशियल्स की ड्यूटी लगाई गई थी कि वो हर जिले में जाकर खुद से समीक्षा करेंगे और आंकड़ों की पुष्टि करेंगे। तो उस क्रम में हम सभी गए थे जिले में, और जिलों में पाया गया कि जिन जिलों में बारिश हुई है और ट्रांसप्लांटेशन और रोपनी शुरू हो गई है, वहाँ पर भी जो बिचड़े थे पैडी के, वो 1.5 से 2 महीने पुराने हो चुके हैं और वो येलोविश भी पड़ रहे हैं। तो ऐसे में पूरी संभावना है कि जो उत्पादन भी होगा वो 60% कम से कम फॉल 60% कम से कम उसमें फॉल आएगा, तो उत्पादन बुरी तरह से प्रभावित होगा। उसके अलावा एक ही ब्लॉक में जो रेनफॉल हो भी रहा है वो इवन नहीं है कई कई डिस्ट्रिक्ट्स में, कई ब्लॉक्स में। तो कई ब्लॉक में आप पाएंगे कि बारिश कुछ पंचायत में ठीक है, लेकिन बहुत सारे पंचायत में सुखाड़ की स्थिति बनी हुई है। जैसे फॉर एग्जाम्पल खूंटी में अगर आप अड़की लेंगे, तो अड़की में देर कुछ पंचायत ऐसे हैं जहाँ पे बिल्कुल सुखाड़ की स्थिति है, जो जुताई भी शुरू नहीं हो पा रही है। तो ऐसे पंचायत को भी हम लोग कंसिडर कर रहे हैं जहाँ ब्लॉक्स में अच्छी वर्षापात हो गई है, लेकिन वो पंचायत और बताएं आपको कि इस बार बहुत कम धान की रोपाई हो पाई है और इसलिए वैकल्पिक खेती में जाने की सलाह दी गई है। हमारे साथ सहयोगी अजय लाल जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। अजय, देखिए सुखाड़ की स्थिति की समीक्षा की गई और जो आंकड़े पेश किए गए इस बैठक में वो वाकई बहुत हैरान करने वाले हैं। इससे तो आगे जो स्थिति वो बहुत भयावह नजर आ रही है, क्योंकि अगर आप 30% तक भी देखें तो रोपाई नहीं हो पाई है। बिल्कुल आरती, स्थिति चिंताजनक ही नहीं बल्कि आप यूं कह सकते हैं कि 18 लाख हेक्टर खेतों में धान की खेती होती रही है हर साल, ऐसा कृषि विभाग के पास जो डाटा है उसके माध्यम से मैं कह रहा हूं। लेकिन इस बार 30% भी धान की रोपनी नहीं हो पाई, और जो रोपनी भी हुई उसमें जो पूरा का पूरा बिचड़ा है वो येलोइश हो रहा है, यानी कि पीला पड़ रहा है, यानी कि उसमें अब दाने नहीं आ पाएंगे। स्थिति काफी भयावह है। लिहाजा आज मुख्य सचिव ने अपने स्तर से अपने अधिकारियों के साथ एक बैठक की और पूरी स्थिति जानने की कोशिश की कि आखिर आगे क्या हो सकता है। जो कृषि सचिव अबू बकर ने जो कहा है, हमारे दर्शकों ने सुना कि अब वैकल्पिक खेती की तरफ किसानों को तत्काल आकर्षित करने की बात कही गई है, यानी कि वो आप जल्दी से जल्दी वैकल्पिक खेती की तरफ चले जाए, और साथ में उन्हें यदि बीज में कोई समस्या आती है, बीज का जो डिमांड है वो भरपूर तरीके से किसानों को दिया जाएगा, ये सुनिश्चित किया गया है। और साथ ही कई पैरामीटर्स ऐसे होते हैं जो केंद्र के सामने सुखाड़ की स्थिति पर रखनी होती है, उस आंकड़ों को भी जिलों से मंगवाया जा रहा है।
कुल मिलाकर स्थिति चिंताजनक है। हालांकि पिछले दिनों जो कुछ 7-8 दिनों तक जो बारिश हुई थी, ये कोशिश हुई थी, ये कहा गया था कि कुछ लाभ किसानों को मिल सकता है, लेकिन इस पानी का कोई लाभ किसानों को नहीं मिल पाया, क्योंकि जितने भी बिचड़े थे उसमें पीलापन आना शुरू हो गया था, लिहाजा उनको फिर से पुरानी स्थिति में लाना संभव नहीं था। कुल मिलाकर स्थिति ये है कि आज एक और बात कही गई है अजय, ये जब इस पर मंथन हुआ तो एक और बात, एक सलाह दी गई है किसानों को कि वैकल्पिक खेती की ओर रुख करें किसान, ये एक सुझाव दिया गया है किसानों को। बिल्कुल आरती, देखिए कहा यह गया है किसानों को कि आप मड़ुआ की खेती करें, तिलहन की खेती की तरफ चले जाएं, मूंगफली की खेती करें, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो शॉर्ट टर्म में कम पानी में भी अच्छे फसल देता है, क्योंकि ये कृषि विभाग का कर्तव्य भी बनता है, जिम्मेदारी भी बनती है कि ऐसे हालात में किसानों को वो समझाइश देने की कोशिश करते हैं, उन्हें सलाह देने की कोशिश करते हैं। और जो हमारे पास आंकड़ा है, 180 में से 130 ब्लॉक ऐसे हैं जो मॉडरेट तरीके से सूखे की चपेट में है, और 30 ऐसे ब्लॉक हैं जो सीवियर सुखाड़ की चपेट में चला गया है। मतलब कि आप यह मान कर चलिए कि राज्य के सभी 24 जिलों में अब सुखाड़ की स्थिति लगभग बन सी गई है। अब यह है कि क्या केंद्र से कितना सहयोग राज्य को मिल पाएगा, किस प्रकार के डॉक्यूमेंटेशन कार्य होंगे, ये तमाम चीजें अब से कुछ दिनों बाद जैसी की जानकारी मिली है सूत्रों के माध्यम से कि कुछ दो चार पाँच दिनों के भीतर तमाम जिलों के DC से भी कहा जाएगा कि अब तत्काल रिपोर्ट भेजें, एक एक ब्लॉक की पूरी जानकारी भेजें, ताकि एक पूरी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी जा सके, और वहां से जो टीम आएगी वो आकलन करेगी, फिजिकल इंस्पेक्शन, उसके बाद ही ये तमाम चीजें होंगी कि सुखाड़ पर केंद्र से जो सहायता राशि मिलती है उसका प्रतिशत क्या होगा। लेकिन अब केंद्र भी यह मान चुका है कि झारखंड के जिले सुखाड़ की चपेट में आ चुका है, ऐसा कृषि डायरेक्टर निशा उरांव ने न्यूज 11 से बातचीत में कहा आरती। यानी कुल मिलाकर ये जो मंथन किया गया, इसके बाद अब इंतजार होगा कि केंद्र सरकार का रुख इस रिपोर्ट के बाद क्या होता है, इंतजार रहेगा उस केंद्र सरकार के उस फैसले का, और उसके बाद ये साफ हो जाएगा कि कौन कौन से जिलों को सुखाड़ से राहत दी गई है सरकार की ओर से। बहुत बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी के लिए आपका। तो देखिये, सुखाड़ की स्थिति को लेकर मंथन किया गया और जो डेटा लाया गया, आप सोचिए कि 18 लाख हेक्टेयर में धान की रोपनी होती थी और 5 हेक्टेयर से ज्यादा इस बार हो नहीं पाया है, रोपनी नहीं हो पाई है, तो अंदाजा लगाइए कि क्या हाल रहा है। ऐसे में एक सलाह भी दी गई है किसानों को कि वो वैकल्पिक खेती की तरफ रुख करें, लेकिन साथ ही साथ अब ये देखना होगा कि कितनी जल्दी सुखाड़ को लेकर राहत पर फैसला सरकार की तरफ से आता है। एक छोटा सा ब्रेक, खबरें और भी हैं, देखते रहिए न्यूज 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।